तो यहां हमें इंटीग्रेशन करना है 1 माइनस साइन 2x जो कि रूट के अंदर है और dx. ये 2021 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहां देखो ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो हमें इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिसका हमें फॉर्मूला आता हो. तो वो साइन 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन हम वो फॉर्मूला रखेंगे जिससे कि ये रूट यहां से क्या हो जाए, हट जाए. तो आप यहां पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x cos x. अगर मैं इस 1 की जगह पे रख दूं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x की जगह रखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इससे यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में आ जाएगा. तो यहां से देखो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो साइन माइनस कॉस का भी बन सकता है, कॉस माइनस साइन का भी बन सकता है, दोनों चीजें यहां पे बन सकती है. तो ये देखो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स भी बन सकता है और ये अंडर रूट ऑफ या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर भी यहां पर बन सकता है. तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पर और ये भी पॉसिबिलिटी है. तो आपको पता है पहले स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा इधर भी और इधर भी, तो यहां से आपका क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डीएक्स बचा और यहां से आपका क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट हट चुका है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और यहां से आपका डीएक्स बच गया. तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब इनका दोनों का हमें इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है तो ये होता है आपका माइनस का कॉस एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है तो यहां पे माइनस पहले से, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है यहां पर साइन एक्स हो गया. तो ये आपका एक आंसर हो गया प्लस सी हम यहां पर लगा देंगे. नाउ इसका इंटीग्रेशन करो तो ये आपका यहां पे क्या हो गया, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है साइन एक्स होता है. ओके इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं. ओके और माइनस आ जाते हैं, साइन एक्स का क्या होता है तो माइनस का कॉस एक्स होता है प्लस सी, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर. तो आपको दोनों ही आंसर एग्जाम में लिखने हैं क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हो रही है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है तो इसमें से कोई भी आगे पीछे हो सकता है. ये सेम क्वेश्चन आपका यहाँ प्लस की फॉर्म में भी है तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर आएगा तो वहां पे एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी क्योंकि दोनों वहां पे पॉजिटिव होंगे, लेकिन नेगेटिव की वजह से हमें यहाँ पे दो इंटीग्रेशन देखने को मिल रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आप इसको अच्छे से समझ लो और करना, एक एक क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. थैंक यू.